कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूट्यूबर टेक 3.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप वीडियो गलत टाइम पे डालते हो? तो कौन सा टाइम पे डालोगे तो आपका वीडियो वायरल होगा। तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर देना। लास्ट तक देखना, मैं जैसे जैसे समझाता हूँ वैसे वैसे करोगे तो आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे YT स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद अपनी चैनल में जाना है। ज़्यादातर जो व्यू आते हैं उसका वीडियो आपको ओपन करना है। देखो मेरा यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा ज़्यादा व्यू इसमें आए तो इसमें जाऊँगा। मैं इसमें जाकर यहाँ पे क्लिक करना है कि ज़्यादातर व्यू आते हैं, वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लाइन, यहाँ से लाइन बढ़ी है ना, यहाँ से लास्ट यहाँ पे देखना है, लास्ट में देखना है तो वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करना, ये टाइम दिखा रहा है ना, 7:47 AM वही टाइम पे आप डालोगे तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तुम्हारे में दिखाता है वो वही टाइम पे डालोगे तो आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा। तो चलो वीडियो कैसे अपलोड करते हो वो मैं सिखाता हूँ, चलो स्टार्ट करते हो। तो गाइज हम हमारे यूट्यूब में आ गए। तो यूट्यूब में हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाएंगे। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे अपलोड द वीडियो, अपलोड और वीडियो पे क्लिक करेंगे। अपलोड द वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्टोरी वीडियो अपलोड करेंगे। ये छोटा सा है परंतु हम बता देंगे आपको कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है। टाइटल ऐसा चाहिए कि आप छोटा टाइटल रखना है, टाइटल छोटा रखना है, ठीक है। तो चलो मैं टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल हमेशा इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में और गुजराती में मत लिखना, तो हिंदी में लिखने का है। चलो मैं टाइटल लिख देता हूँ। पहले ऐसा टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे तुम इमोजी हमेशा रखना, इमोजी रखना बहुत अच्छा है। इमोजी रखने के बाद यहाँ पे इमोजी डालने के बाद यहाँ पे तुम्हें हैशटैग डालने हैं। हैशटैग आपका कंटेंट जो भी होगा वो ही हैशटैग डालना। पहले आपका हैशटैग शॉर्ट रुकना, ये शॉर्ट वाला तो डाल देना ही है। शॉर्ट डालोगे तो आपका वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगा और शॉर्ट फीड में जाने के बाद आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो पछी ये वीडियो आपका इमोशनल है तो हैशटैग इमोशनल भी डाल देने का है। अभी यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन आता है, पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना टाइटल रख सकते हो। तो टाइटल चलो ये हम रखेंगे, टाइटल हमने टाइटल रख दिया है। अभी आपको आप ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं कि अपना वीडियो पब्लिक नहीं करना है, यहाँ पे अनलिस्टेड करना है। यहाँ पे आपको अनलिस्टेड करना है। अनलिस्टेड करने के बाद 10 मिनट के बाद आपको पब्लिक करना है। अनलिस्टेड करने का वजह ये है कि आप वीडियो जो डालेंगे उसका यूट्यूब दिखेगा कि ये वीडियो किस तरह सा है, वो वीडियो दिखेगा। तो चलो अनलिस्टेड करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस पे बहुत ध्यान रखना है कि आपका वीडियो बच्चों का है, बच्चों का, किड्स का है। तो यहाँ पे यस इट्स माय फॉर किड्स लिखना है, जो आपका बड़े हो, बड़े बच्चे और सब भी देख सकते हैं। तो वीडियो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे करना है। तो यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ से हम सीधा अपलोड कर देंगे, अपलोड शॉर्ट कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो देखो अपलोड हो रहा है। यहाँ पे हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके
अपलोड हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। चलो हमारा वीडियो अपलोड हो गया कि 10 मिनट के बाद ये अपलोड को हम एडिट करेंगे। चलो गाइस 10 मिनट हो गई है, तो यहाँ पे 3 डॉट वाला तुमको दिखेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। रुकना भाई, थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो अभी यहाँ पे आ गया है एडिट एडवांस सेटिंग इन स्टूडियो पे, तो आप अपना हम वाइट स्टूडियो में चले जाएंगे। वाइट स्टूडियो में आने के बाद आपको एट द डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। पहले आपका ये टाइटल है कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी जो भी आपका होगा, यहाँ पे मेरा पास एक एप्लीकेशन है रीड आई क्यू, वो यूट्यूब सर्टिफाइड है, तो वह प्ले स्टोर में से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर देना वीड, यहाँ पे वीड आई क्यू लिखा है, ऐसा लिख के आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे हम। सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम हमारा जो वीडियो जिस तरह का है वो कीवर्ड लिखेंगे। तो कीवर्ड क्या है हमारा लिख देंगे हम। यहाँ पे लिख दिया है मैंने बचपन की याद, तो नीचे हैशटैग आ जाएगा बचपन, चाइल्ड मेमोरी, बचपन की याद। तो यहाँ पर बचपन की याद पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वी क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लिखेगा। अगर सिलेक्ट ऑल के क्लिक करने के बाद, चलो सिलेक्ट, यहाँ पे कॉपी टेक करेंगे। कॉपी टेक करने के बाद हम जाएंगे वो हमारी वाइटी स्टूडियो में। वाइटी स्टूडियो में जाके यहाँ पर हम कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर से हम जाएंगे वो वीड आई क्यू में। वीड आई क्यू में जाने के बाद यहाँ पे बचपन की यादें पे क्लिक करेंगे। रुकना थोड़ा, बचपन की यादें पे क्लिक करेंगे। फिर से वी रिलेट क्लिक, सिलेक्ट वॉल क्लिक करना है और कॉपी टेक करना है। कॉपी टेक करने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे हम, नीचे करेंगे स्क्रॉल, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे पब्लिक करना नहीं है, पब्लिक कर देना लास्ट में करना है। यहाँ पे लिखा है टैग शॉर्ट एड टैग, तो इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारी याद, स्कूल की याद है कि बचपन, चलो बचपन टैग लिखा है, यादें लिखी है, चलो याद टैग हो गया। तो हमारा वीडियो इमोशनल है कौन सा है, तो वो तरह से हम डालेंगे। तो हमारा अभी तो हाउ द स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ओके ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पब्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। तो हमारा वीडियो अपलोड हो गया है। तो अभी तुम 10 मिनट के बाद देखोगे तो हमारा वीडियो बहुत ही वायरल हो जाएगा। तो हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो हमारा वीडियो हम डाले तो सबसे पहले आप देख सकते हो। ओके, गुड नाइट एवरीवन।